आज हम बनाने जा रहे हैं तीन तरह के मसाले, गरम मसाला, चाट मसाला और छोले मसाला। ये तीनों मसाले मैं घर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि घर के पिसे मसालों में जो फ्रेशनेस होती है वो बाजार के मसालों में नहीं होती। और इन मसालों से जब मैं खाना बनाती हूँ तो वो खाना भी बहुत ही लाजवाब बनता है, और इन तीनों मसालों के बगैर मेरी किचन अधूरी है। आप जब इन मसालों की रेसिपी देखेंगे तो आप भी बड़ी आसानी से बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजूस किचन। मंजूस किचन में आपका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे गरम मसाला। आप जानते हैं कि गरम मसाले को गरम मसाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मसाले पड़ते हैं उनकी तासीर गरम होती है, और हम जिस भी सब्ज़ी में गरम मसाला डालेंगे उस सब्ज़ी का स्वाद चार गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं गरम मसाला। तो इसके लिए मैंने ये 12 तरह के गरम मसाले लिए हैं। मैंने लिया है 4 चम्मच जीरा लिया है, 4 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 5-6 तेज पत्ते लिए हैं, 5-6 दालचीनी ली है, और ये मैंने 2 बड़े चम्मच बड़ी इलायची ली है, 2 बड़े चम्मच काली मिर्च ली है, 2 बड़े चम्मच लौंग ली है और 2 बड़े चम्मच सौंठ ली है। आप चाहें तो सौंठ साबुत भी ले सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच छोटी इलायची ली है, और ये 2 जावित्री ली है, 2 चक्रफूल लिए हैं और 1 जायफल। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा और धनिया। साबुत धनिया और जीरे को बिल्कुल हल्का हल्का ही भुनना है, इतना ही भुनना है जैसे मैं आपको हाथ से करके दिखाती हूँ कि हम इसको छू सकें, ज़्यादा नहीं भूनना है, जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो नहीं जाने चाहिए। बस हमारा धनिया और जीरा भुन गया है, मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको हम किसी और बर्तन में निकाल देंगे। फ्रेंड्स, जीरा और धनिया हमने भून लिया है, बाकी के मसाले अब भुनेंगे। सबसे पहले बड़ी इलायची डाल देंगे, इसमें लौंग डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, छोटी इलायची डाल देंगे, फिर जायफल भी मैंने तोड़ लिया है, जायफल और चक्रफूल डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे और जावित्री डाल देंगे, और इनको बिल्कुल हल्का हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, इनको बिल्कुल 1 मिनट तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, ये तो इनकी तासीर चली जाएगी, इनकी तासीर गर्म है और फ्रेग्रेंस भी चली जाएगी। बस ये भुन गए हैं, अब भुनने के बाद मैं ये सौंठ इसमें मिला दूंगी। चलिए अब इनको ठंडा करके पीसना है, हमको गरम गरम मसाले को नहीं पीसना है, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब पीसना है, इनको हम ठंडा करते हैं। जीरा और धनिया ठंडा हो चुका है, सबसे पहले हम ये पीसेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे सारे मसाले गर्म हैं इसलिए हम धनिया भी मिला रहे हैं, ताकि हमारे मसालों का बैलेंस हो जाए गर्म और ठंडे का, इसलिए हमने छोटी इलायची भी ली है। और इसको रुक रुक कर पीसना है, लगातार नहीं पीसना है। चलिए अब इसको पीसते हैं। हमारा धनिया और जीरा पीस गया है, इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, अब बाकी के मसाले पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बाकी के मसाले भी ठंडे हो गए हैं, चलिए अब इनको भी ग्राइंड कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मसाले एक मिक्सी जार में डाल दिए हैं, चलिए अब इनको ग्राइंड कर लेते हैं। सारे मसाले पीस गए हैं, अभी इसको जीरे और धनिया में मिक्स कर देंगे, और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से एक बार और पीस लेंगे, ताकि अच्छी तरह से एक सार हो जाए और फिर हमारा गरम मसाला रेडी हो जाएगा। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा घर का बना हुआ बिल्कुल खुशबूदार और फ्रेश गरम मसाला तैयार है। बाजार का मसाला इतना फ्रेश नहीं होता जितना घर का मसाला होता है। अब इसको किसी एयर टाइट जार में बंद करके रख देंगे, ताकि इसकी फ्रेशनेस बनी रहे, और इसमें जितना आता है डाल देंगे, जो बाकी मसाला बचेगा उसको किसी जिप लॉक पैक में डाल के रख देंगे, ताकि इसकी खुशबू ना जाए। मैंने इसको एयर टाइट जार में रख दिया है, और इसको ढक्कन लगा कर रखें, और जब भी आप गरम मसाला डालें सूखा चम्मच का इस्तेमाल करें, नहीं तो ये गरम मसाला ख़राब हो सकता है। चलिए बनाते हैं चाट मसाला। चाट मसाला नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, मेरे घर में तो बिना चाट मसाले के काम ही नहीं चलता। चाट बनानी हो या चटपटे आलू बनाने हो, पकौड़े में डालना हो या सलाद में डालना हो, सब में चाहिए चाट मसाला। चाट मसाला बनाने के लिए हमको ये 11 मसाले चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 5 बड़े चम्मच काला नमक, 5 बड़े चम्मच सफ़ेद नमक, 10-12 साबुत लाल मिर्चें चाहिए, और 1 चम्मच सौंफ चाहिए, 2 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें, और ये 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, 1 चम्मच अजवाइन ली है, 1/2 चम्मच हींग लिया है, और ये मैंने छोटा सा टाटरी का टुकड़ा लिया है। टाटरी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी ही डालेंगे, और पाउडर फॉर्म में देखो तो 1/4 चम्मच है ये। तो चलिए अब बनाते हैं।
फ्रेंड्स चाट मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने मसालों को घोल लेंगे। मैं ये धनिया डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ, इसमें साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ, सौंफ डाल रही हूँ, काली मिर्च डाल रही हूँ और अजवाइन डाल रही हूँ। इनको हल्का हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसमें से खुशबू आने लग जाए इतना भूनना है। इनको सिर्फ एक मिनट तक भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना। फ्रेंड्स मैंने मसालों को हल्का हल्का भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनना है, और इसको फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसमें हम ये टाटरी का टुकड़ा मिलाएंगे, और मैं ये टाटरी बहुत ही कम डाल रही हूँ। मार्केट में जो चाट मसाला होता है उसमें टाटरी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बहुत खट्टा हो जाता है और हमारे गले में भी जलन हो जाती है, लेकिन हम ये टाटरी बहुत कम डालेंगे। और साथ में खट्टापन लाने के लिए हम थोड़ा सा अमचूर डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स चाट मसाले के लिए हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं, अब इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। साथ ही मैं ये आधा चम्मच हींग भी डाल दूंगी और एक चम्मच अमचूर पाउडर डालूंगी और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स हमारा मसाला पिस गया है, इसमें हम अब काला नमक डाल देंगे और ये सफ़ेद नमक भी डाल देंगे और इसको एक बार और ग्राइंड कर देंगे ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लीजिए हमारा चाट मसाला बिल्कुल रेडी है। इसको भी किसी एयर टाइट जार में रख देंगे जिससे इसमें नमी ना आए, और इसमें भी गीला चम्मच नहीं डालना है, सूखा चम्मच डालना है। जब भी इस्तेमाल करें ये एयर टाइट ढक्कन खोल के इस्तेमाल कर लें और फिर बाद में ढक्कन बंद कर दें जिससे इसकी ताजगी बनी रहे। और फ्रेंड्स ये चाट मसाला बहुत ही टेस्टी है और चीज़ों को चटपटा बना देता है, चटाकेदार बना देता है। लीजिए तैयार है हमारा चाट मसाला। इसको ऐसे ढक्कन बंद करके रख देंगे जिससे इसमें नमी ना आए और ये ड्राई ही रहे। चलिए फ्रेंड्स अब बनाते हैं छोले मसाला। हम जो ये छोले मसाला बनाएंगे इससे हमारे छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे और हमारा छोले मसाला भी बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इससे आप किसी भी तरह के छोले बना सकते हैं, सलाद वाले छोले, भटूरे वाले छोले, किसी भी तरह के छोले बना सकते हैं। तो हम ये सारे मसाले लेंगे। चना मसाला बनाने के लिए हम 4 बड़े चम्मच साबुत धनिया लेंगे, 2 बड़े चम्मच जीरा लेंगे और 6 तेज़पत्ता लेंगे, 3 दालचीनी लेंगे, 8 साबुत लाल मिर्चें लेंगे, 8 बड़ी इलायची लेंगे, 8 छोटी इलायची लेंगे। और ये हमने एक जावित्री ली है, ये बस टुकड़ों में लिए हमने। 1 चम्मच लौंग लेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च लेंगे और 2 चम्मच अनारदाना लेंगे। फ्रेंड्स ये डालना बहुत ज़रूरी है, इससे ही हमारे छोलों का कलर भी आता है और टेस्ट भी आता है। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। और 1 टुकड़ा जायफल लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये अनारदाना डाल देंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाता है। इसको बस 1-2 सेकंड तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, और इसको अलग से ही भूनना है। बस ये हमारा भून गया है, इसको किसी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें अब मैं वो मसाले डालूँ जो थोड़ी देर से भूनते हैं। इसमें मैं ये डाल रही हूँ दालचीनी, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, लौंग और ये छोटी इलायची। इसको हमको थोड़ा ज़्यादा भूनना है। छोले का मसाले में जो रंग आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि हम मसालों को थोड़ा ज़्यादा भूनते हैं। यही मसाले छोले की जान है। इसको कम से कम 1 मिनट तक भूनना है और लो फ्लेम पर भूनना है। लीजिए फ्रेंड्स हमारे सारे मसाले भून गए हैं। अब इसी में मैं जीरा डाल दूंगी, धनिया डाल दूंगी, जावित्री डाल दूंगी, साबुत लाल मिर्च डाल दूंगी और ये जायफल का टुकड़ा डाल दूंगी और तेज़पत्ता डाल दूंगी और इसको सारे मसालों को साथ में ही भूनना है। जो ज़्यादा भूनने वाले मसाले थे वो मैंने पहले डाल दिए थे, अभी थोड़ा कम भूनने वाले हैं ये मैं बाद में डाल दूंगी। अब इसको भी 1-2 मिनट तक भूनना है अच्छी तरह, और फिर उसके बाद हम बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद पीसेंगे, गरम गरम नहीं पीसेंगे। हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स मसालों को ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिसमें अनारदाना था उसी में हमने निकाल लिया, और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स हमारी कढ़ाई गर्म है, इसी में मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी और ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, और इसको अच्छी तरह से चला देंगे, इसमें ये भुन जाएगी और इसको भी हम चने मसाले में मिक्स कर देंगे। हमारी कसूरी मेथी भुन गई है,
इसको भी अब इस मसाले में मिला लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड चना मसाला के लिए हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं, अब इसको ग्राइंड करेंगे। लेकिन ग्राइंड करने से पहले मैं इसमें और मसाले मिलाऊंगी। इसमें मैं एक बड़ा चम्मच देगी मिर्च मिलाऊंगी, इससे हमारे छोलों का कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। एक बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर मिलाएंगे, आधा चम्मच हल्दी मिलाएंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच हींग डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारा चना मसाला। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे चने मसाले का। और फ्रेंड्स, आप इससे छोले किसी भी तरह के बनाएंगे, बहुत अच्छे बन जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और इसको भी हम किसी एयरटाइट डब्बे में रख देंगे जिससे कि इसकी स्मेल ना जाए। और बहुत ही खुशबूदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है ये। फ्रेंड्स, इसको ऐसे एयरटाइट डब्बे में बंद कर रख देंगे जिससे इसकी खुशबू बरकरार रहे। लीजिए तैयार है हमारा चना मसाला। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे खाने को टेस्टी बनाने वाले तीन तरह के मसाले, और इनके बिना किचन अधूरी है। लीजिए तैयार है हमारा गरम मसाला, चाट मसाला और ये चना मसाला। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाकर देखिए ये मसाले और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके मसाले कैसे बने हैं। और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।